हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जब देख रहे हैं हम यहाँ पर एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू फोर है और सेकंड ट्रिक देख रहे हैं, सेकंड जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोर का स्क्वायर माइनस टू कर सकते हैं। ताकि फोर का स्क्वायर इसलिए करेंगे कि एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू फोर दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं टू। ओके, तो जब हम जानते हैं कंडीशन होती है प्लस प्लस क्या होती है, कंडीशन माइनस होती है, माइनस माइनस प्लस होते हैं और प्लस माइनस प्लस होते हैं, माइनस प्लस प्लस होते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ये अप्लाई कर देंगे कि माइनस की कंडीशन अप्लाई कर दें। अगर यही इस क्वेश्चन में हो एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स का मान ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर हम प्लस की कंडीशन अप्लाई करेंगे। चलो दो कंडीशन आपके लिए, अब दोनों कंडीशन अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फोर का स्क्वायर माइनस टू, और फोर का स्क्वायर क्या होता है, फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन एंड माइनस टू। अब 16 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14, तो मीन्स आंसर हो जाएगा इसका 14। यदि यहीं पर क्वेश्चन x माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू फोर हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, अब वहाँ पर जहाँ पर प्लस की कंडीशन थी वहाँ पर हमने माइनस का यूज़ किया, अब यहाँ पर आगे स्टार्टिंग में माइनस की कंडीशन है, यहाँ पर हम प्लस का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा फोर स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू, तो फोर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और प्लस टू तो प्लस टू ही रहेगा, तो ऐड कर देंगे आसानी से, तो हो जाएगा टोटल 18। तो ये दो ट्रिक्स थे एक क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन दूसरा बन जाता है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस टू का वहाँ पर स्क्वायर करते थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे ए क्यूब माइनस बी मल्टीप्लाई ए, ये कंडीशन लेकर आएंगे यहाँ पर। मीन्स ए की जगह मान लेंगे यहाँ पर टू को, और बी को मान लेंगे यहाँ पर थ्री, और ए को फिर आगे देखेंगे टू है। मीन्स टू का क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू, तो थ्री टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो थ्री टू सिक्स हो जाएगा, और टू का क्यूब क्या हो जाएगा, एट। मीन्स एट में से सिक्स माइनस करेंगे तो टू आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह का कंडीशन, इस तरह की क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स के पावर फोर प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स पावर फोर का मान याद करना है। तो यहाँ पर जब थ्री दिया गया है कंडीशन में, तो हम यहाँ देखेंगे पावर फोर है, तो मीन्स यहाँ फोर ले लेते हैं, और फोर को क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई टू लिख सकते हैं, तो यहाँ थ्री दिया गया है, थ्री को क्या लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर माइनस टू लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टू ले रहे हैं, और इक्वल टू यहाँ पर एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू क्या है, थ्री है। मीन्स थ्री स्क्वायर माइनस टू, तो थ्री स्क्वायर माइनस टू का मतलब, थ्री स्क्वायर का मतलब हो जाए नाइन, और माइनस टू कर देंगे तो आ जाएगा सेवन। अब सेवन का स्क्वायर करेंगे इस तरह सीक्वेंस बना करके, तो सेवन का स्क्वायर कर जाएगा 49 और माइनस टू कर देंगे, तो 49 में से माइनस टू कर देंगे तो आ जाएगा 47। अब अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स पावर फाइव प्लस वन अपान एक्स पावर फाइव का मान याद करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे थ्री दिया गया और पावर में क्या दिया गया है, नेक्स्ट वाले में फाइव दिया गया है। मीन्स यहाँ लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू कॉमा थ्री, तो थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, माइनस टू कर देंगे मीन्स नाइन माइनस टू इक्वल टू सेवन हो जाएगा। और अगली कंडीशन क्या कर देंगे, थ्री का क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री, मीन्स थ्री का क्यूब क्या कर देंगे, थ्री का क्यूब हो जाएगा 27, और थ्री थ्री जब मल्टीप्लाई जब करेंगे, ब्रेकेट सॉल्व करेंगे तो नाइन हो जाएगा, 27 में से नाइन माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। अब पहले जो सॉल्व किए थे वहाँ पर सेवन मिला था इसके ऊपर, मीन्स थ्री स्क्वायर माइनस टू मीन्स नाइन में से टू माइनस के सेवन मिला था, और इसको सॉल्व करने पर 18 मिलता है, तो सेवन एट जाए कितना हो जाएगा, सेवन मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, 18 सेवन जाए कितना हो जाएगा 126, और माइनस थ्री कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 123। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप कितना है, 40 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है वर्ग तो बना लिया, जिसकी चारों साइड यहाँ पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो होता है वर्ग। अब हमको इसका कुछ नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं लेट देन एक्स। अब इसकी साइडें कितनी होती हैं, फोर, तो एक्स मल्टीप्लाई फोर कर देंगे, और टोटल में कितना दिया गया इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होता है इस वर्ग का टोटल लिया जाता है, वो पेरीमीटर कहलाता है, तो टोटल में रख देंगे 40। तब फोर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा फोर एक्स अब इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब एक्स अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करना है, तो फोर को ट्रांसफर नहीं कर देंगे उधर ले जाकर, तो फोर अब 40 अपॉन फोर हो जाएगा, अब वहाँ पर कैंसिल करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। मतलब वन साइड की हो जाएगी 10, दूसरी साइड भी 10 होगी, सिंपल सी बात है, जब वन साइड 10 है तो दूसरी साइड भी 10 होगी,
तो हम जब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है वहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब क्षेत्रफल इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब लंबाई हमको पता है 10 है तो चौड़ाई भी 10 होगी, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारी वीडियो कैसे लगी दोस्तों, ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।